वजह से टूटने शुरू हो गई। कटान की वजह से मकान का पिछला हिस्सा कमजोर हो गया और अचानक भरभराकर गंगा में समा गया। उन्नाव की तस्वीरें, मकान का एक हिस्सा टूटकर ये गंगा में समाया है। दरअसल वहां जलस्तर काफी दूर से ऐसे ही बढ़ा हुआ था, मकान तक ये पानी पहुंच चुका था और पिछला हिस्सा जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल यहां पर जमीन की कटान शुरू हो गई थी। उसी की वजह से यहां जमीन की कटान की वजह से टूटनी शुरू हो गई। कटान की वजह से मकान का जो पिछला हिस्सा है वो कमजोर हो गया और अचानक भरभराकर गंगा में समा गया। तो बिहार के मुंगेर जिले में पिछले 8 दिनों से बाढ़ के पानी में फंसे पति पत्नी को बाहर निकाल लिया गया है। पिछले 8 दिन से बाढ़ के पानी में दोनों पति पत्नी फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम नाव की मदद से पहुंची और दोनों पति पत्नी को बाहर निकाला। इलाके में पानी इतना बढ़ गया था कि कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं था और दोनों पति पत्नी पिछले 8 दिन से जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। हालात और अब और भी मुश्किलात वहाँ भरे हो गए क्योंकि दोनों के पास खाने का सामान भी नहीं बचा था। ये दो तस्वीरें, 8 दिन इसी मकान में ये लोग फंसे रहे जिसे आप देख रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और ये मकान दरअसल देखिए आप आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है। दोनों शख्स मकान की छत पर खड़े हाथ हिलाते हुए मदद मांगते हुए। अचानक हुई मसूरी में बारिश के बाद कैंपटी फॉल में बारिश का पानी बढ़ गया। कैंपटी फॉल से भारी मात्रा में पानी निकलकर निचले इलाकों में गिर रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रह रहे लोग डरे सहमे हुए हैं और ये डर उनका वाजिब भी है क्योंकि स्थिति वहां पर खराब हो सकती है और इस बात का अंदाजा लोगों को है क्योंकि निचले इलाके में अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो उनके लिए दिक्कतें भी बढ़ेंगी। त्योहारों के मौके पर रिलायंस जियो दिवाली 2019 ऑफर लेकर आई है और इस ऑफर के जरिए जियो फोन को महज 699 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसके लिए ग्राहक को पुराना फोन एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं है। पहले कंपनी पुराने फोन के एक्सचेंज पर नया फोन दे रही थी और इस फोन की मौजूदा कीमत 1500 रुपए है और दिवाली से दशहरे के बीच सीमित समय के लिए ये ऑफर दिया गया है, जिस दौरान इस फोन को 699 रुपए में खरीदा जा सकता है। जियो फोन की खरीद पर ग्राहक को कुल 1500 रुपए का फायदा मिलेगा। जियो फोन की खरीद पर जहां ग्राहक को 800 रुपए का लाभ मिलेगा, वहीं 700 रुपए का अतिरिक्त डेटा भी मिलेगा, जिसके तहत पहले 7 रिचार्ज पर जियो 99 रुपए का अतिरिक्त डेटा कस्टमर के अकाउंट में जोड़। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती लोगों ने प्रदर्शन किया। चीन कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है तो वहीं तिब्बत के लोगों ने आजादी की मांग को लेकर चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान हंगामा कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस जबरन पकड़कर बाहर भी ले गई। मुंबई के नजदीक पालघर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री गिर गया। पास में मौजूद सीआरपीएफ के जवानों ने इस दौरान यात्री की जान बचाई। यात्री के गिरते ही पास मौजूद सीआरपीएफ जवान दौड़कर वहां पहुंचे और यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। घटना पालघर के विरार स्टेशन की बताई जा रही है, जहां विरार से चर्चगेट जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री संतुलन बिगड़ने से गिर गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि लड़के को कुछ बदमाशों ने 22 सितंबर को अगवा कर लिया था और जंगल में ले जाकर बेरहमी से पिटाई की थी। वीडियो में बदमाश लड़के को प्लास्टिक के डंडे से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं और इस दौरान लड़का बदमाशों से लगातार रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन फिर भी बदमाशों ने उसे पीटना बंद नहीं किया। बताया जा रहा है कि गैंग वॉर के दौरान बदमाशों ने लड़के को अगवा किया और जंगल में ले जाकर उसकी पिटाई की। पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़के को छुड़ा लिया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये दिनांक 22 तारीख को नौगांव थाना क्षेत्र में एक संजय मिश्रा नामक युवक को किडनैप किया गया था, उसकी मारपीट की गई थी। उसी दिन उसको छुड़ाया गया था। उसके जो आरोपियों में से आरोपी भी एक पकड़ा गया था। सुसंगत धाराओं में जितने भी नाम लिखा गया उनमें पकड़ पंजीबद्ध किया गया, कार्रवाई की जा रही है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में कुछ लोगों ने घर में घुसकर एक लड़की की पिटाई कर दी। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। वहीं ये पूरा वाकया पास के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। घटना के दौरान कुछ लोग घर में घुसते हुए दिख रहे हैं और फिर एक आदमी लड़के को पकड़कर बाहर लाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इस दौरान दूसरा आदमी भी लड़के को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद घर के लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं। वहीं इस पूरी घटना के दौरान लड़का अपने आप को छुड़ाकर भाग निकलता है।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मामूली विवाद में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान आपस में भिड़े छात्रों ने जमकर लात घूंसे और बेल्ट चलाए। मारपीट के दौरान चार छात्रों को चोटें भी आईं, जबकि गंभीर रूप से घायल एक छात्र को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कोचिंग से पढ़ाई के बाद निकले छात्र किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर मारपीट कर रहे जो छात्र थे वो वहां से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गाड़ियों की बैटरी चुरा रहे दो लड़कों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने दोनों लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान कुछ लोग दोनों चोरों को बेल्ट से पीटते दिखे तो कुछ ने चाकू दिखाकर चोरों की पिटाई की। हैरानी की बात ये रही कि जिस समय लोग दोनों चोरों को पीट रहे थे, वहीं पास खड़े पुलिस वाले इस पूरी घटना को तमाशबीन की तरह देखते रहे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ लोगों ने एक बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश एक महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, जिसके बाद पास मौजूद लोगों ने बदमाश का पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान आसपास के जो लोग थे उन्होंने उसे छुड़ाया और सड़क पर जाम लग गया। तो मोबाइल दरअसल ये छीन कर भाग रहा था बदमाश, जिसके बाद जो आसपास के लोग थे वो उन्होंने उसको जमकर पीटा। हालांकि बीच सड़क पर ये मारपिटाई होने से कई घंटों तक लोग जाम में भी फंसे रहे। दीदी कह रही है कि हम एनआरसी नहीं होंगे। मैं आपको कहता हूं।